हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीयूटी बाय सुपरकैट। अगर आप लोग सीयूटी 2023 के स्टूडेंट हैं और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं 2023 में ही, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना टफ हो गया है आज की तारीख में? भले ही सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो दौड़ है वो अभी भी थमी नहीं है। ऑफिशियल स्टैट्स है जिस पर मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहूंगा। जैसे कि हम बात करें कि लास्ट ईयर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 6,63,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस आई थी आउट ऑफ 14.99 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर सीयूटी 2023। इस साल ये देखा गया कि 28 लाख से भी ज्यादा बार चुना गया अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग कोर्सेज करने के लिए, और 73 यूजी प्रोग्राम्स है, मतलब 38,000 स्टूडेंट विल बी फाइटिंग फॉर अ वन कोर्स। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 6,63,000 बच्चों की जब प्रेफरेंस थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लास्ट ईयर, उनमें से 2,17,000 बच्चे ही फेज वन क्वालिफाई कर पाए, और फेज टू तक आते आते ये नंबर 1,77,000 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीटों की बात करें तो 69,580 प्लस सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसको लगभग 70,000 बोला जाता है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जब काउंसलिंग राउंड वन हुआ तो 80,164 बच्चों को सीट अलॉट कर दी गई, जहां पर ये बोला गया कि एग्जाम बहुत लेट हुआ, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी ने बताया कि 20% एक्स्ट्रा सीट हमने अलॉट करी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, जबकि 30% एक्स्ट्रा सीट हमने अलॉट करी है एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी वाली कैटेगरी कैंडिडेट को। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि इन 80,164 में से 72,865 बच्चों ने सीट एक्सेप्ट भी कर ली, और इन 72,865 बच्चों में से 59,100 बच्चों ने, जी हाँ, 59,100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन फी पे करके अपना सीट सिक्योर भी कर लिया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया था। और ये देखा गया कि सभी के सभी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की सीट, मोस्ट ऑफ द इन डिमांड कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस की सीट फुल हो गई। इसके बाद काउंसलिंग राउंड 2, 3, स्पॉट राउंड 1, 2, 3 और स्पेशल स्पॉट राउंड भी 1, 2, 3, 4 हुए, लेकिन ये जो 59,100 वाला नंबर था ये बढ़ते बढ़ते केवल 64,000 तक ही पहुंच पाया, क्योंकि उन कॉलेजेस के अंदर बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते थे। जब दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी से बोला कि आप अपनी कट ऑफ कॉलेजेस की कम कर दीजिए सो दैट यू नो अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक द एडमिशन, तो योगेश सिंह जी ने साफ मना कर दिया बिकॉज दीज आर दी कॉलेजेस जिसके अंदर एडमिशन ही नहीं लेना चाहते बच्चे, क्योंकि 5 से 6 हजार सीटें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तब भी खाली थी। इसके साथ ही मैंने आपको कई बार बताया कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फॉर द हिंदू कॉलेज का कटऑफ 797.82 आउट ऑफ 800, और बी ऑनर्स साइकोलॉजी फॉर द एलएसआर कॉलेज का कटऑफ 795.086 आउट ऑफ 800, और अगर मैं बात करूं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिरांडा हाउस का कटऑफ 787 आउट ऑफ 800, अगर मैं बात करूं बी कॉम ऑनर्स एसआरसीसी बहुत इन डिमांड कॉलेज रहता है, इन डिमांड कोर्स है, 782 कटऑफ था आउट ऑफ 800 का। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं, सीयूटी एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं, तो एक बार फिर से सोचना।